चला समेत विभिन्न विस्तारों में सड़कें गड्ढे में बदल गई है, जिससे लोगों का आवागमन करना मुश्किल भरा हो गया है। बलसात में वापी की सड़कें बदहाल हो चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन मुश्किल भरा हो गया है। सबसे ज्यादा खराब हालत चला विस्तार की सड़क की है। चला विस्तार की मुख्य सड़क से लेकर ओवरब्रिज सर्विस मार्ग पूरी तरह गड्ढे में बदल गया है। डाबिल चेक पोस्ट से लेकर गोलकोइन सर्कल तक इस मार्ग पर इतने गड्ढे हैं कि यह पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। इस मार्ग से आवागमन करने में लोगों को होने वाली परेशानी के बाद भी जितनी तत्परता से इन्हें भरना चाहिए उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। हालांकि चला में गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया है, लेकिन यह काम इतनी मंथर गति से हो रहा है, इस काम के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। चला मार्ग पर गड्ढे के कारण रोजाना बाइक और मोपेट सवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बरसात में पानी भरने पर रात में गड्ढे दिखते नहीं हैं, जिसके कारण लोग अक्सर गिरते रहते हैं। कई लोगों ने तो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा दिया, क्योंकि बरसात शुरू होने से पहले चला मार्ग को बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन बरसात होने के बाद सड़क बह गई और गड्ढों में बदल गई। गुणवत्ताहीन सड़क बनाने वालों के खिलाफ लोगों ने कार्यवाही की मांग भी की है। गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम होने से समय पर काम धंधे पर पहुंचने पर लोगों में दिक्कत हो रही है। खराब सड़क का निर्माण और उसमें बने गड्ढे की समस्या से लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क के गड्ढे भरने की इच्छा जताई है। તકલીફ છે એક્સિડન્ટ થાય છે વારંવાર એટલે સ્કૂલોમાં છોકરા લોકોને જવાનું લેટ થાય, કોઈ ઇમરજન્સી કેસ હોય તો કેવી રીતે, કોઈ પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય એ કેવી રીતે ના જાય, જ્યારે આ વિકલનો બી પ્રોબ્લેમ છે, ટ્રાફિક બી કેટલો જામ થાય છે, લોકોને એટલી હેરાનગતિ થાય છે, પણ સરકાર ખાલી ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં જ માને છે, કંઈ બીજું કંઈ કરતા નથી. એ લોકો જે હમણાં ડ્રોપ લગાવ્યો ખાલી એક જગ્યા પર ડ્રોપ, આખા રસ્તા પર તમે ખોરો ખબર કે આખા રસ્તા પર ખાડા ખાડા છે. અને આ જે બ્લોક છે એ તો ખાલી સોસાયટી પૂરતો છે, આમાં હેવી વ્હીકલ કેવી રીતે એ રીતે છે. આ બ્લોક તો થોડા દિવસમાં તૂટી જશે, ખાલી એક ટ્રક જાય તો તૂટી જાય બ્લોક, તો પછી કામો ખાલી તમે ભ્રષ્ટાચાર જ કરો. આપના માધ્યમથી એવું મેં કહેવા માગુ છું કે એની જાંચ કરો, ને એ લોકો જે રોડ બનાવ્યા છે એ તમે જોઈ શકો છો કે એમાં ખાલી માટી નીકળે છે. જ્યારે પહેલાં જે રોડ બનતા હતા એમાં આખા બ્લોક નીકળતા હતા, કે ડામરના બ્લોક જાવ જશો અમને તમે જુઓ તો ખાલી માટી જ નીકળે, ડામર તો દેખાતો જ નથી. એમાં 100% ભ્રષ્ટાચાર છે, ને ચાર્જ થવા જોઈએ.